सुखस्य कारणानि ये मुनिराज को भी समझना है, प्रमोद को भी समझना है, सामान्य गृहस्थों को भी समझना है, ये ध्यान दीजिए। और इसके बल पर आप विश्वास मैंने में जी रहा हूं। संसार में बोला जितने सुख देने वाले हैं वे सब दुख देने वाले हैं। जैसे कि माँ सुख देती कि नहीं, दूध पिलाती है, ठीक है, वो स्नान करने बिठा बैठ जा बच्चा बैठ स्नान और रोने लगे तो वो दे थपाड़े और पटिया पटकती है, ठीक है, चलो वो चला वो दुख दे रही है। फिर जितना गहरा सुख दिया ये मतारियों की रोटी खाने के संस्कार डाल लिए जिसने, उसको जीवन में रोना पड़ेगा, ऐसे जीन रोना पड़ेगा। माना कि कोई की माँ बहुत सुंदर भोजन बनाना जानती है, उसकी उम्र होगी 60 वर्ष और कुंवर साहब 20 साल के ही हैं, ठीक है, इनकी 21 साल में शादी हो गई और वो कह रही है देवी अलग हो अलग हो। अब देवी का चेहरा देखकर तो कहता अलग हो जाऊं, पर माँ की फूल के देख करके कहता नहीं हूँ। अब जैसे देवी आई उसके हाथ की रोटी प्रथम दिन खाई, बेचारे के टप टप आंसू टपकने लगे, हे भगवान अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, अब तो जीवन भर अपन लोग तो ऐसे हैं भाई, हर दिन घर बदलता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, पर मुझे पूछो आप, कहीं कहीं ऐसे घरों में जाते अपन लोग आहार करवे जहाँ की रोटी खुलना तो बंद है, टूट जाएगी पर खुलेगी नहीं। तो मैं क्या सोचता हूँ भाई, अपन तो एक दिन को हैं, कच्ची भी होगी तो पानी पे के भूखे रह जाओ, पर इस बेचारे पर तो दया आ रही है, हाथी साह दया का पात्र है। अब देवी के हाथ की रोटी खुले ही ना, ठीक है ना, और बेचारा इतनी सामग्री सुंदर सामग्री बाजार से लेके आया, अच्छे फल लेके आया, वो ककड़ी लेके आया, अब उसने देवी ने क्या किया, इतने टुकड़े चने चने कैसे टुकड़े कर दिए, अब बेचारा चने चबाएगी ककड़ी खाए, अरे मुख में जब तक मुख ना भरे तब तक उसको अंदर जाएगा नहीं, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब माना कि उसको ग्रास लेना थे, अब ग्रास ने उसे परोसे, सो एक ग्रास के उसको बहुत से 4 टुकड़े कर देते, उसने उसके 40 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब अभी तो पति के दांत भी थे, ब्रह्मचारी नहीं सुन रहे, पति के दांत भी थे उनके, अब वो अपनी बुद्धि लगा रही है, बोले जल्दी खा लेंगे तो जल्दी निकल जाए, उसने क्या टोड़ टोड़ दाल में घोल के रख दिया। अब दाल घोल में क्यों, बोले जल्दी खा के जल्दी घर से टरक जाए। अरे तू टरकाने के चक्कर में सोच रही है, तू पूरी टरका देगी, अभी घर से टरकाने के बाद परिया से टरक जाएगा। बोले क्यों, अरे वो अपने हाथ से ग्रास बना के भोजन करता तो उसके दांत, ठीक है ना, और मेहनत होती तो वहाँ पाचन शक्ति चल रही थी, अंदर जैसे पंखा घूमता ना तो पंखा घूमता है तो बिजली उत्पन्न होती, ऐसे मुख हिलता है तो अंदर ऊष्मा बनती है, ऊर्जा बनती है, वो बननी नहीं थी, उसने घोर घार के रख दिया और उसने जैसे लिया अंदर गया तो पचा ही नहीं है, वो सीधे सीधे रख गया तो पाचन शक्ति कमजोर पड़ गई। अब अभी तो घर से टरका रही थी, वो पर्याय से ही टरका देगी जल्दी, ठीक है। तो जिनके दांत हैं उन्हें तोड़ तोड़ के मत खिलाओ, जिनके दांत नहीं ठीक बेचारे अब क्या करें, बस में कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। इसलिए नकली दांत तो नकली आदमी अंगवा। अब यहां पर अभ्यास, एक पढ़ ले कल मिलते आपसे, अभ्यास पहला बिंदु, अभ्यास संसार का बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा सुख, शास्त्रों का अभ्यास, अमित्रों का मित्र शास्त्र, बंद खंड में मित्र शास्त्र, पथ में चलते चलते मित्र शास्त्र,
पर्याय बदलते बदलते मित्र शास्त्र। वे लोग जीवन में महान बनते हैं जिनको स्वाद की रुचि है। वे लोग कभी दुखी नहीं हो सकते, मुस्कुराएंगे। पहला सुख स्वाध्याय। और एक बार स्वाध्याय की आदत पड़ जाए उसको तो अमृत मिल गया। जो लोग बच्चे विद्यार्थी अवस्था से साधु बन जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, वे यहाँ आकर के पढ़ाई करते हैं। वहाँ तुम डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं, चार अनुयोग पढ़ लीजिए। वहाँ तुम मात अपने पिता के नाम कमाते, यहाँ पूरी संस्कृति का नाम कमाओगे। इसलिए मुनियों को ज्ञानी होना चाहिए, सतत अभ्यास करना चाहिए, सतत अभ्यास। वहाँ तुम अपने घर में एक दो को समझाते, मोड़े मोड़ी को समझाते, अखंड समाज को समझाते, देश को तुम उपदेश दे रहे हो। एक सभा में लाखों लोग बैठे हुए हैं और तुम्हारी वाणी गूंजमान हो, उसमें लगना चाहिए हाँ महावीर की देशना चल रही है। सुख शास्त्र सुख है, इसलिए शास्त्र बंद करके नहीं रख देना चाहिए। शास्त्र सुख है। 24 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ता। जब पढ़ो नहीं, थक जाओ तो स्वयं में डूब जाओ। जब स्वयं से बाहर आओ तो जिनवाणी में डूब जाओ। तीसरी जगह जाओ ही ना, ठीक है। कछुए जैसा जीवन जियो। या तो पानी में डूब जाता, कोई पानी में ना तो पानी में डूब जाता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाए, पानी में डूब गया, अंदर चला गया है। और कहीं बाहर है तो अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, तो अपने शरीर में डूब जाता है। ऐसे ही व्यवहार में हो तो शास्त्रों में डूब जाओ। नहीं तो लोग जो अभी तो स्वाध्याय चल रहा है ना, यदि एक कक्षा ना चलती होती, ये सब आके बैठ जाते एक एक महाराज के पास, ठीक है, समय तो बर्बाद होना ही था। इसलिए हमने आपको पानी में डुबा के रखा कि बचो, ये लाठी लिए घूम रहे सब, ठीक है, जल में निमग्न हो जाओ। वो स्थल में हो, स्थल में हो, आ गए प्राण, स्थल में हो, स्थल में हो, स्थल में, तो फिर वहाँ कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को संकुचित कर अपने कवच में चला जाता है। ऐसी आप स्थल में हो, जिनवाणी नहीं है, तो निज में स्वाध्याय ध्यान में लीन हो जाओ। बचो इन अस्त्रधारियों से। घर के कष्टों को सुनाने आए, ये बहुत बड़ा अस्त्र है साधु के, साधुता का नाश करना का। श्रावक अपने घर के दुखड़े सुना है और कहीं तुम दुखी हो गए तो मालूम तुम्हारे जीवन की सारी साधना नष्ट हो गई। कुटुंब वालों की तो सुननी नहीं चाहिए। भी भले कहें कि महाराज बदल गए हैं, घर की सुनते नहीं है। अरे बदल गए तभी तो महाराज हैं। बदले नहीं तो महाराज कैसे होते? और फिर भी नहीं बदले तो नंगे हैं। बदलना चाहिए जयंत सागर जी। क्या हो रहा है, उन दुखों से भयभीत होकर तो यहाँ भग के आए अपन, और उनके दुखों को देख हम रोए तो क्या फायदा है? अरे इधर देख मेरी तरफ, हंस क्या खाता है? हंस मोती चुगता है, सुअर। अब सुनिए बस, अंतिम इस ग्रंथ का दूसरा ग्रंथ पढ़ना है। बालक, हंस, मोती, सुकर, मल, मल, ध्यान दो, मल। अब माना कि पूर्व के दोनों सगे भाई थे, पूर्व पर्याय के दोनों सगे भाई थे। अब दोनों ने पहचान लिया, जाति सुन हो गया। अब वो एक सामने मल को खा रहा है, वो मोती चुर रहा है। अब मल खा कर रो रहा, भैया हमको ये खाना पड़ रहा है। अरे तेरी पर्याय में मल खाना है तो मैं क्यों अपने मोती छोड़ू, ऐसी तुम्हारा सगा भाई है, ठीक है। वो मल स्थानी स्त्री सुख में डूबा है, पुत्र पुत्रियों सुख में डूबा है, धन संपत्ति में डूबा है, तुम मल चाट रहे हो,
तो तुम्हारे मल को जो हम अपने शुद्धात्व के मोती क्यों छोड़ू, मैं रत्नत्रय से युक्त हूं, मैं अपने रत्नत्रय को देखू कि तुम्हारा मल देखू। ये तुमको ये पसंद नहीं था तो मेरे जैसे काम करो, तुम भी हंस बन जाओ। इसलिए परमहंस स्वरूप हो, हम हंस स्वरूप हो, समझे? अभी ये 12वां सूत्र पूरा हुआ नहीं है, अभी एक इसके 4 हेतु हैं, उसमें से एक हेतु की व्याख्या किंचित हुई है। मस्ते।